अमरीकी डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गई। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मजबूत रुझान गालिब आने लगा। कनाडा में फियोना ने तबाही मचा दी। मकानात और गाड़ियां बह गईं। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को बुला लिया गया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने तूफान से होने वाले नुकसान के बाद अपना जापान का दौरा मनसूख कर दिया। कनाडा में गन वायलेंस के पैदर पे वाकयात आवाम सड़कों पर निकल आई। टोरंटो में शहरियों का गन वायलेंस के बेकाबू वाकयात के खिलाफ एहतजाज। कनाडा का यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद में इजाफे का अज़म। स्कॉटलैंड में ट्रांसपोर्टेशन के मरकज की सलाहियत में तौसी की जाएगी। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है कि सप्लाई के मामले पर कनाडा में सनती शराकत दारों से मुलाकात करेगी। रूस ने यूक्रेन में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए तो नतीजे संगीन होंगे। अमरीकी इंतबाह, रूस ने जौहरी जंग की धमकी दे दी। यूरोपीय यूनियन का दावा, खारकीफ में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बदस्तूर जारी। फ्रांस में दुनिया की दूसरी बड़ी फूड मार्केट में होने वाली आतिशजदगी के वाकये में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। सैकड़ों फायर फाइटर्स ने कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। जस्ट वन स्ट्रिप फॉर अ लोड। सिंपल एंड स्क्वीकी क्लीन। प्लास्टिक फ्री बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग। Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के मशरकी साहिली इलाकों में समंदरी तूफान फियोना ने तबाही मचा दी। तूफान से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए फौज को तायुनात किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के मशरकी साहिली इलाकों में समंदरी तूफान फियोना ने तबाही मचा दी। तूफान से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए फौज को तैनात किया गया है। तूफान से सूबों नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यूफाउंडलैंड के साहिली इलाके शदीद मुतासर हुए। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने तूफान से होने वाले नुकसान के बाद अपना जापान का दौरा मनसूख कर दिया। जस्टिन ट्रूडो को साबिक जापानी वजीर आजम शिंजो एबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जापान जाना था। तूफान की वजह से कनाडा के 5 साहिली सूबों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिशें हुई और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। तूफानी हवाओं से दरख्त जड़ों से उखड़ गए, मकानात की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए, लाखों लोग बिजली से महरूम हो गए, मकानात और गाड़ियां पानी में बह गईं। तूफान के सबब हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। न्यूफाउंडलैंड में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मुतासिर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को बुला लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक फियोना नामी समंदरी तूफान ने मशरकी कनाडा में घरों पर झाड़ू फेर कर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया है। शहरियों की गाड़ियाँ भी बह गई हैं। तूफान से सूबे स्कोनोशवा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यूफाउंडलैंड के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए, जहां लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। हफ्ते की सुबह सूरज निकलने से कबल आने वाले इस ताकतवर पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान से सैकड़ों मकानात की छतें भी उड़ गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फियोना पहले समंदरी तूफान था, जिसने जुमे के आखिर में एक पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान का रूप धार लिया। ताहम इसमें फिर भी समंदरी तूफान की ताकत वाली हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से तेज बारिश के साथ साथ बड़ी लहरें भी बनी। तूफान से कैनेडियन सूबों में हलाकतों या जख्मियों की कोई तस्दीक नहीं हुई। ताहम रॉयटर्स के मुताबिक एक शख्स हलाक हो गया है। उधर समंदरी तूफान नोरोफिल्पाइन के जजीरे लोजोन से टकरा गया है, जहां 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। कनाडा में कई सौ लोग गन वायलेंस के बढ़ते वाकयात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रवा साल टोरंटो शहर में अब तक फायरिंग के 302 वाकयात रिपोर्ट हुए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कई सौ लोग गन वायलेंस के बढ़ते वाकयात के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रवा साल टोरंटो शहर में अब तक फायरिंग के 302 वाकयात रिपोर्ट होने के बाद गन वायलेंस पर हुकूमती कार्रवाई के लिए एक नए सिरे से जोर देने के लिए हफ्ते के रोज 200 से ज्यादा अफराद ने शहर के मस्कट टोरंटो में मार्च किया।
जीरो गन वायलेंस मूवमेंट के बानी लॉइस मार्श का कहना है कि बंदूक के तशद्दुद को कम करने के लिए मजीद इकदाम की ज़रूरत है, जो उनके बकौल शहर में महीनों से जारी है। बंदूकों का तशद्दुद जारी है या अभी जारी है और इसका असर बहुत अहम है, और हुकूमत अब भी बात कर रही है, इंतजार कर रही है जब लोग मर रहे हैं। मार्श ने कहा कि वो और दीगर मुंतजमीन इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि शहर में बंदूक का तशद्दुद एक बड़ा मसला है। बंदूक का तशद्दुद खला में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके होने से पहले होती हैं, लेकिन बहुत सारे सदमे, चोट और दर्द जो बाद में होता है, और ऐसा लगता है कि कोई भी इस मसले की शिद्दत से गिरफ्त में आने के काबिल नहीं है। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा स्कॉटलैंड में नकलो हमल के एक अहम मरकज में अपनी सलाहियत को बढ़ा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर दिफा अनीता आनंद का कहना है कि कनाडा स्कॉटलैंड में नकलो हमल के एक अहम मरकज में अपनी सलाहियत को बढ़ा रहा है, ताकि हथियार और दीगर सामान ज्यादा आसानी से यूक्रेन और मशरकी यूरोप के दीगर ममालिक को भेजे जा सकें। कनाडा की अफवाज मार्च से 40 लाख पाउंड कार्गो की तरसील की जिम्मेदार हैं, और स्कॉटलैंड के मरकज प्रेस्टिक को अब एक तीसरे CC-130 तैयारे और 55 कैनेडियन मुसल्ला अफवाज के अरकान के साथ फिजाई नकलो हरकत के दस्ते में तौसी दी जाएगी। अनीता आनंद का कहना था कि हम इन तरीकों को बढ़ा रहे हैं जिनमें हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और मजीद इमदाद फराहम करके यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हफ्ते के शुरू में यूक्रेन ने कैनेडियन हुकूमत को बख्तर बंद गाड़ियों, हाउटर्स और मौसम सरमा के लिबास की दरख्वास्त करने के लिए खत लिखा है। कैनेडा ने 39 बख्तर बंद फौजी करियर फराहम करने का वादा किया है, और आनंद ने कहा कि वो सप्लाई के मामले पर बात करने के लिए कनाडा में सनती शराकत दारों से मुलाकात करेंगी। आनंद ने कहा कि नेटो के तमाम ममालिक यूक्रेन को हथियारों की तरसील और अपनी अपनी मुसल्ला अफवाज को सप्लाई बरकरार रखने के दरमियान तवाजन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन में रूसी फौज ने जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया तो संगीन नतीजे होंगे, रूस को लाइन उबूर करने से पहले सोचना होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की कौमी सलामती उमूर के मुशीर जैक सुलिवान ने बयान में कहा कि रूस की जानिब से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो अमेरिका इस इकदाम का फैसला कुन जवाब देगा। अगर रूस ने यूक्रेन में जौहरी हथियार इस्तेमाल किए तो नतायज तबाहकुन होंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बदस्तूर जारी है। खारकीफ में लड़ाई के दौरान हलाक होने वाले 400 अफराद की लाशें बरामद कर ली गईं। यूरोपीय यूनियन का कहना है रूसी सदर की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन में रूसी फौज ने जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किया तो संगीन नतीजे होंगे, रूस को लाइन अबूर करने से पहले सोचना होगा। अमरीकी हुकाम का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूस ने यूक्रेन की 4 रियासतों में रूस से इल्हाक के रेफरेंडम की हिमायत करते हुए कहा कि अगर 4 यूक्रेनी रियासतों ने रूस से इल्हाक का फैसला किया तो उन्हें मुकम्मल तहफ़ुज़ फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने खबरदार किया है कि दुनिया जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक रूसी सदर के बयान को संजीदगी से लें। पेरिस में दुनिया की दूसरी बड़ी फूड मार्केट में खौफनाक आग लग गई, जिसके नतीजे में फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा फूड स्टोरेज सेंटर मुकम्मल तौर पर जल गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में दुनिया की दूसरी बड़ी फूड मार्केट में होने वाली आतिशजदगी से फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा फूड स्टोरेज सेंटर जलकर खाकसर हो गया। इतवार को फ्रांस के दारुलहुकूमत पेरिस में दुनिया की दूसरी बड़ी फूड मार्केट में खौफनाक आग लग गई, जिसके नतीजे में फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा फूड स्टोरेज सेंटर मुकम्मल तौर पर जल गया। हुक्काम के मुताबिक आतिशजदगी के वाकये में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। पेरिस की इस मार्केट अक्सर यूरोपीय ममालिक को फल, सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया सप्लाई होती हैं। सैकड़ों फायर फाइटर्स ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने की कार्रवाई में हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। आग इतनी खौफनाक थी कि उसका धुआं पेरिस शहर की फिजा पर छा गया था। इस हादसे में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, ताहम 7,000 मुरबा मीटर पर मुहित गोदाम तबाह हो गया। हुक्काम का कहना था कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है, ताहम उसकी तहकीकात की जा रही है। हुक्काम के मुताबिक पेरिस के इस मार्केट से बेशतर यूरोपीय ममालिक को फल, सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया सप्लाई होती हैं। ये वसी और अरीज होलसेल मार्केट खुद अपने आप में एक शहर की तरह है, जहाँ 12,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और जहाँ फ्रांस और दुनिया भर के फलों और सब्जियों, समंदरी खजा,
गोश्त, दूध की मसनूआत और फूलों से भरे गोदाम है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान आरिफ खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।